फिर भी अंजुमन इस्लाम में जो है ना कोई करप्शन नहीं करता, मेरा मेरा ये दावा है। और ये आप अपनी टीम से हटके बोल रहे हैं कि अंजुमन इस्लाम में कोई करप्शन नहीं करता, यानी कि अशरफ अली भी नहीं किया है? नहीं नहीं, वो किया नहीं किया उसका अकाउंट है, लेकिन अंजुमन में करप्शन नहीं होता, 100% नहीं होता। ये बैतुल माल है, वो काउंटर वो क्रिटिसाइज़ करता है, हम उसका जवाब देते हैं, हम उसकी क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये खवाली का प्रोग्राम चल रहा है, मैं बोलने के बाद उन्हीं एक बोलता, उन्हीं बोलने के बाद मैं बोलता, ये सब गलत चीज़ें हैं। अंजुमन इस्लाम के अस्पताल बोर्ड के सेक्रेटरी हैं एम ए पठान साहब, जो हैं काफ़ी सीनियर आदमी हैं, पॉलिटिक्स में भी थे आप बहुत लंबे वक्त तक, लंबा पीरियड रहा, लेकिन अंजुमन में क्या रहा आपका तजुर्बा? अंजुमन में 2009 से 12 तक मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा, फिर उसके बाद हम 12 से 15 इलेक्शन बीट करे, फेल हो गए, फिर 15 से 18 करे, वो बार भी फेल हो गए, फिर मैं 18 में जो है ना हम सोनूर साहब के साथ जुड़ कर है, 18 में हम इलेक्शन जीते, और टीम का मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ चेयरमैन साहब सोनूर साहब के साथ। और अच्छा, ये बताइए अस्पताल बोर्ड के आप सेक्रेटरी हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा रहा आपकी टीम के साथ, कैसा रहा अकबर कुमटागर के साथ आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, दोनों ने मिल के आपने क्या किया अस्पताल? उन्होंने मिलकर करने का सवाल नहीं आता इसमें, सवाल क्या आता है, सेक्रेटरी मेन होल एंड सोल होता है, साथ में 4 मेंबर होते हैं और इत्तेफाक के साथ जो भी काम करते हैं करते हैं। अब हमारे पे इसमें जो है ना लगभग 3 साल के इस पीरियड में 70 पर 8 लाख रुपए हमने बेनिफिट दिखाया है, हॉस्पिटल के तो प्रॉफिट दिखाया है, और फार्मेसी डाले हैं हम, फार्मेसी जो है ना लगभग 8 या 9 महीने हो गया डाल के, हर महीना 2 से 2.5 लाख रुपए फार्मेसी से फ़ायदा हो रहा है। पहले कितना होता था? पहले होता ही नहीं था, 20-25 हज़ार रुपये किराया आता था उसका, किराया आता था उसका, वो बंद करा के हमने नई फार्मेसी डाली, तो वो फार्मेसी जो है, ये तमाम मैं ये कहूँगा कि हमारी जो अंजुमन की जो टीम वर्क है, ये सदर हैं, नायब सदर हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये जो भी टीम है, एजुकेशन बोर्ड मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स, पैटर्न मेंबर्स, जितने भी हैं ना, ये टीम वर्क है हमारा, ये टीम वर्क की वजह से वो जो भी हुआ है, बेनिफिट हुआ है। तो हुआ है मतलब आप मुतमईन हैं अपने काम? मुतमईन, लगभग हमारा 22 लाख रुपए फार्मेसी में फ़ायदा हुआ है और 78 लाख रुपीज़ हॉस्पिटल में फ़ायदा हुआ है, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। कितने सालों में? ये 3 साल में, आज तक जितने सालों से भी हॉस्पिटल बना था कभी ऐसा नहीं हुआ। कोरोना की लॉटरी तो लगी थी? कोरोना में हम पैसे नहीं कमाए, आप फ्री सर्विस करें और सारी 50% में करे से, बहुत कम पैसा मिले से, और आज भी जो है ना जो भी लोग आते हैं हमारे पास, बिल माफ़ करो, आदि करो, कम करो, हम करते हैं सब जो भी है, जितने भी रिकमेंड करते हैं करते हैं, उसके बावजूद उतना बेनिफिट हुआ है। और हो सकता है, मुझे लगता था कि पहले जो है ना बरोबर इसमें अकाउंट्स में कुछ गलती रहेंगी कि क्या रहेंगी अल्लाह जाने, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ये क्या है आज जो चल रहा है। पहले कितना फ़ायदा होता था? पहले क्या, पहले बहुत कम फ़ायदा दिखाया है, 4-5 लाख रुपए दिखाया है, 10-15 लाख रुपए दिखाया है, और कभी फ़ायदा भी नहीं दिखाया है। अच्छा, देखिए किस तरह से इनका कहना है कि पहले जो कमेटियाँ थी उनके जो मुनाफा था अस्पताल बोर्ड से वो बहुत कम आता था, इनके दौर में तकरीबन 1 करोड़ रुपये का मुनाफा इन्होंने कराया। इसी तरह से हमने दीगर जो जिम्मेदारान थे, ऑफिस बेरर्स थे, उनसे बात करने की कोशिश की, उनका क्या तजुर्बा रहा इन 3 सालों में, क्या अचीवमेंट रहा वो भी जानने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें हमें मालूमात हुए हैं और भी हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे कि अंजुमन इस्लाम आखिर काम करती क्या है। आखिर में एक बात कहूँगा मैं, ये जो है ना आज जो चल रहा है वो काउंटर वो क्रिटिसाइज़ करता है, हम उसका जवाब देते हैं, हम उसकी क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये खवाली का प्रोग्राम चल रहा है, मैं बोलने के बाद उन्हीं एक बोलता, उन्हीं बोलने के बाद मैं बोलता, ये सब गलत चीज़ें हैं। अंजुमन वीडियो बाजी अंजुमन इस्लाम में जो है ना कोई पैसे खाने के लिए नहीं आता, कोई अफरा तफरी करने के लिए नहीं आता, ये मेरे लेकिन करप्शन तो होता है 100%, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी होगा नहीं, अल्लाह के करम से ये बैतुल माल है। लेकिन आपकी टीम बोलती है कि अशरफ अली ने करप्शन किया, आप बोल रहे हैं वो ये है ना, वो अकाउंट में सपड़े हैं ना, वो देखो आप अकाउंट आ गए, मतलब दूसरे करें आप नहीं करें? नहीं नहीं, दूसरे करे या नहीं करे वो पता नहीं, वो अशरफ अली का जो मामला है वो आया है, वो है वो अकाउंट्स में, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें करप्शन किया नहीं किया, मैं नहीं बोलता, फिर भी अंजुमन इस्लाम में जो है ना कोई करप्शन नहीं करता, मेरा ये दावा है। और ये आप अपनी टीम से हटके बोल रहे हैं कि अंजुमन इस्लाम में कोई करप्शन नहीं करता, यानी कि अशरफ अली भी नहीं किया? नहीं नहीं, वो किया नहीं किया उसका अकाउंट है, वो इसे कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी जो है ना रिजल्ट दी है, 24 लाख रुपए का उसमें गबन हुआ है करके उन्होंने दिए है उसका, जो आप करप्शन नहीं होता सिर्फ उन्होंने किया? हाँ, नहीं नहीं, मैं उन्होंने किया, मैं ये भी नहीं इल्ज़ाम डालूंगा क्योंकि उनका जवाब देने वाले वो हैं,
मैं ये नहीं बोलता कि उन्होंने, लेकिन अंजुमन में करप्शन नहीं होता, नहीं होता 100% नहीं होता। ये बैतुल माल है, अल्लाह के घर का पैसा है, यहाँ पर एक पैसा भी खाना है तो कौन भी खा नहीं सकता, मैं बोलता हूँ। और खाने वाले का घर का उसका ईंट भी नहीं बचता, इतना मेरा दावा है। बिल्कुल शुक्रिया, मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन पठान साहब का कहना है कि अंजुमन में करप्शन नहीं होता है, लेकिन इनकी टीम का इल्ज़ाम ये भी है कि अशरफ अली साहब ने करप्शन किया है। बहरहाल ये आगे हम देखेंगे कि किस तरह से कार्रवाई होती है, क्या होता है। लेकिन इन्होंने एक अच्छी बात यह कही कि वीडियोबाजी नहीं होनी चाहिए, इल्ज़ाम तराशी का जो दौर चल रहा है उसका जो है कम से कम उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले इलेक्शंस में स्टेज पर जो है इल्ज़ाम तराशियाँ होती थी, लेकिन अब जो है वीडियोबाजी का एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये इनका कहना है। हम आपको आगे भी जो है अपडेट देते रहेंगे।